अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एज़ यूजुअल रोल्स की तरह। खैर अभी बट यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जल्दी से ना हल्की सी पोनी कर ले क्योंकि मेरे बाल हल्के फुल्के गीले हैं, और इसके बाद अब मैंने जल्दी से यूनिवर्सिटी जाना है। और बैग पैक मैंने कर लिया, मैंने पहले वर्धा के पास जाना है हॉस्टल, क्योंकि मैं जल्दी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, इसलिए पहले मैं वहाँ जाऊँगी, उसके लिए बिरयानी लेके जा रही हूँ। सो हम दोनों वहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद क्लासेस देने के लिए जाएंगे। और अभी मैं फुल रेडी हो गई हूँ। रेडी इन द सेंस, रेडी क्या होना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी रेडी होते हुए, बट आज मैं इतना जल्दी जल्दी में रेडी हूँ, नहाया और वगैरह वगैरह किया, सो बिल्कुल भी नहीं आइडिया ना। मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने क्या अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने रिवाज का SPF 60 अपने फेस पे लगाया, क्योंकि सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट मैं बैग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखती। हाँ हॉस्टल जाके मैं आप लोगों को दिखा दूँगी बैग की अनबॉक्सिंग, कि बैग के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, व्हाट्स इन माई बैग। ठीक है, तो अभी मैं मतलब अभी जो है अभी मैंने बता देती हूँ, ये SPF 60 लगाया सनब्लॉक। उसके बाद मैंने क्या लगाया, उसके बाद मैंने हल्का सा जो कंसीलर होता है ना, वहाँ पर अगर कोई मतलब पिंपल निकल आता है या फिर कोई निशान रह जाता है, तो वो निशान के ऊपर ना हल्का सा कंसीलर लगाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने और कुछ नहीं लगाया, इवन मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया, और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मस्कारा लगाना चाहिए मुझे। सो लेट्स सी। और अब आपसे मिलती हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, वर्धा से मिल के। ठीक है, और फुल लुक मैं आपको यूनिवर्सिटी में ही दिखाऊंगी, बिकॉज अभी मैं कैमरा कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरी रिंग लाइट छत पर है। सो या फाइनली रीच्ड इन द यूनिवर्सिटी। इतनी देर बाद यूनिवर्सिटी को देख के ना मुझे अजीब सी वाइब आ रही है। अजीब क्या मतलब, सही मॉर्निंग टाइम टू बी ऑनेस्ट इतना कोई रश है नहीं, लेकिन इवनिंग टाइम यहाँ पर इतने लोग चहल महल रहे होते हैं, और अब इतना कोई रश रश नहीं है। सो या इतनी देर बाद यूनिवर्सिटी आके इतना ऑड लग रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट। फाइनली रीच इन दी बस, और टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा ना अजीब लग रहा है। अभी मैंने वर्धा को कॉल किया है और वो कह रही है आ जाओ, कहाँ पर रह गई, मैंने कहा रास्ते में बस आने वाली हूँ। सो या अब हम उससे जाके मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बोलूँगी फेक के मैंने स्पेस को मिस किया। टू बी ऑनेस्ट हाँ ठीक है, वीडियो कॉन्टेंट के लिए मिस किया, अदरवाइज नहीं मिस किया। और ये वर्धा का हॉस्टल का रूम है, और वो खुद फेस वॉश वगैरह करने गई हुई है, बिकॉज अभी उठी है वो। और ये मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ, पानी वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ हॉस्टल लाइफ। सो वर्धा मेरे सामने बैठी, हमने इतनी सारी बातें कर ली है ना, और कोई बात नहीं है, तुम्हें दिखा चुकी हूँ रूम। नेचुरल ना हॉस्टल लाइफ इसी तरह के। तो कैसी है वर्धा इतनी छुट्टियों के बाद? मैं ठीक ठाक, उन क्या बोलो? इसने नाश्ता नहीं ना किया, इसलिए इसकी आवाज नहीं निकल रही। अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी, द वी आर रेडी। अभी अपना करेंगे फोटो शूट इस मिरर के अंदर, और देन फिर हम पीछे वो देसी माहौल मीठे चावल आ रहे। चलो वर्धा बाय बाय। नहीं मस्त माहौल में बैठी होती है, उनको क्या पता चलना। अल्लाह जी मौसम बहुत हसीन कर दो प्लीज। थोड़ी सी वीडियो हमने बना ली है, थोड़ी सी वीडियो हमारी वहां जाके बनेगी, ट्राइंग समथिंग न्यू, बट इतना अच्छा ऑब्वियसली नहीं बन पा रहा। एक तो उनके पास ना माइक उन्होंने प्रॉपर्ली होता है, ये हमारा आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर मंथ्स हम अपने डिपार्टमेंट में वापस, डॉक्टर आसिफ इकबाल ब्लॉक। सो या और अब हम क्लास में आके बैठ गए, ये भी बढ़ता ही नहीं है। 1 बजे से 3 बजे तक हमारी लैब है, 2 घंटे नहीं है। मैम ने इतनी स्ट्रिक्टली मैसेज किया, लग तो राय हो जाएगी।
हेड लग ची क्या होता है एट लास्ट आजादी मिली हुई है पूरे 5 मिनट अल्लाह पूछे पूरा डिपार्टमेंट हमारा खाली हो गया। एक सच बात बताऊं सारे सेमेस्टर से ज्यादा मुझे लग रहा है एक ही दिन आज मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा जितने सेमेस्टर हुए हैं वो भी जबरदस्ती हाँ नहीं नॉलेज वाला भी आज ही था सब कुछ है ना। एक नहीं मुझे मैम जुनैरा का सबसे पहली बार इतना अच्छा लेक्चर लगा। बस आ गई है कहाँ गई तानिया भाग भी गई। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।